नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज मौजूद हैं मित्तल फुटवियर ओल्ड कैपिटल बस स्टैंड नियर पुलिस चौकी बल्लभगढ़ बस स्टैंड के पास ये दुकान है और हम इनसे जानेंगे कि कई बार कॉपी का मामला आता है, कॉपी जूते मिलते हैं कई दुकानों पर, नकली और असली का क्या पहचान है ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम पहचाने कि नकली माल हम खरीद रहे हैं या असली खरीद रहे हैं, कि हम मतलब ज़्यादा पैसा दे करके नकली तो कहीं लेके नहीं जा रहे या कम पैसे दे करके घटिया चीज़ तो नहीं लेकर के जा रहे हैं। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। भैया कौन है दुकानदार आप हैं? आ जाओ। शुभ नाम भाई आपका? मेरा नाम है जी सचिन मित्तल। मित्तल साहब एक तो ये बताएं, जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं इससे कोई आपको आपत्ति तो नहीं? नहीं जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने कहा है कि कर लीजिए। हाँ जी। चलिए तो दूसरा एक आप हमें बता दीजिए कि नकली और असली जूते की क्या पहचान है, मतलब जब दुकानदार के पास ग्राहक जाए या मैं जाऊँ कोई जाए तो कैसे पता चले कि मैं ज़्यादा पैसे में घटिया माल नहीं ले रहा हूँ या ले रहा हूँ, आप बताएं जरा। देखो जी, आजकल आते हैं इस प्रकार के जूते जो कि ये बिक रहे हैं रेहड़ी पटरियों पे, 200 से 250 300 रुपए की रेंज में, जिनको पब्लिक लेती है और उनके दो दिन में खराब हो जाते हैं। नहीं मतलब ये नकली है, कैसे पता चलेगा नकली है? नकली है, उनकी कंडीशन बता रही है कि वो नकली है और जो इनका ये इनका जो सोल होता है ये बड़ा हार्ड होता है। अच्छा, ये एक होता है ओरिजिनल जूता जैसे कि असली जूता होता है जी, जैसे कि हमारा ये हो गया, ये हमारी एक अच्छा कंपनी का है और ये बहुत सॉफ्ट होता है। अच्छा, ये बकायदा कंपनी इसमें सिलाई करके देती है, मेमोरी फोम देती है। बाकी जो आजकल एक नए रूल लागू हुए हैं कि फुटवियर अच्छी क्वालिटी के बनेंगे तो उसमें आजकल कंपनी है कि ये CML नंबर डालने लगी है जूते के अंदर भी, ये CML नंबर होता है कंपनी का। CML का मतलब क्या है? CML का मतलब तो पता नहीं जी, बट ये कहिए कि जो अच्छी क्वालिटी का शूज है, कंपनी जो भी अपना प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बना रही है उसमें वो CML नंबर आएगा ही आएगा। अच्छा, उसमें जो है ये CML नंबर आएगा ही आएगा। जैसे पहले बारकोड आता था, ISI मार्का है, जैसे ISI मार्का है ये, और CML नंबर एक नई सीरीज स्टार्ट की है, नई सीरीज स्टार्ट हुई है जिससे ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं होलसेलर हैं उन्होंने हमें बताया कि कंपनी जो भी अब अच्छा प्रोडक्ट बनाएगी अपनी कंपनी में फैक्ट्री में तो उस पे CML नंबर आएगा ही आएगा। जैसे कि हमारे ये और कोई और डिब्बे दिखा दी जरा, जैसे कि हमारे ये कौन लगे रहने दो, लगे रहने दो, इस पे लिख रहा है CML नंबर। नहीं, इसमें CML नंबर कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, ये कौन सी कंपनी का है? ये ओरेक्स कंपनी का है। ओरिजिनल कंपनी है, बड़ी कंपनी है? नहीं, कंपनी बड़ी है बट क्या पता जो आने वाला स्टॉक हो इनका तो ये भी CML नंबर डालने लगे हैं। मतलब सभी कंपनियों के लिए लागू है? सभी कंपनियों के लिए लागू हुआ है। अच्छा, ऐसा बताया गया? ऐसा बताया गया है और हमने भी न्यूज में सुना है, जैसे इसमें कोई CML नंबर नहीं है। अच्छा, पुराना आपके पास का वो? हाँ जी, जैसे ये हमारा इससे पहले का स्टॉक है, अब जो नया स्टॉक आएगा उसमें देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, जैसे स्पीड का इसको... आप स्पीड का दिखा रहे हो। हाँ। एक स्पीड का कोई पुराना स्टॉक का कोई एक डिब्बा निकालो। हाँ जी, जैसे कि हमारा पता चले, जैसे कि हमारा ये भी ऐसे उठाओ। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दोनों स्पीड कंपनी के जूते हैं और इसमें अंतर क्या है, एक पुराना स्टॉक है एक नया स्टॉक, ये पुराना स्टॉक है ये नया स्टॉक है, इसमें अंतर क्या होगा आप देखें। CML नंबर ये रहा, आप जो जहाँ मैंने उंगली रखी हुई है ये है CML, जो आजकल स्पोर्ट्स के शूज जो शूज कंपनी है जो बनाते हैं उन्होंने एक नया चीज़ की है, एक तो ISI मार्क है इस तरीके का होगा, CML नंबर होगा, इससे आप जांच सकते हैं कि ओरिजिनल है कि लोकल है, जिस दुकानदार से खरीदें उससे आप बिल भी ले सकते हैं। और ये पुराना डिब्बा है, इस पर एक CML नंबर कहीं भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए इस पर QR कोड है तो QR कोड देख सकते थे। तो इसलिए दोस्तों हमने ना आपको जागरूकता के लिए इस तरीके की चीज़ें की जिससे कि ग्राहक जागो, ग्राहक को पता चल सके कि ग्राहक कौन सी चीज़ और कहाँ से खरीदे। अच्छा दोस्त, आप लोग ये बताओ, बिना बिल के माल बेचते हैं बिल के साथ माल बेचते हैं? देखो जी, हम बिना बिल के और बिल के दोनों तरह से माल बेचते हैं, जो हमसे बिल कटवाने की कहता है उसको हम बिल देते हैं, उसमें जो GST बनती है कस्टमर के लिए वो GST हम उससे लेते हैं। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि GST हम भी आगे पे करते हैं। आपको पता है बिना बिल के बेचना गलत है? हाँ जी। क्यों बेचते हो? नहीं, बिना बिल के माल जैसे पीछे से आता है तो वैसे बेचना भी पड़ता है। चलिए, क्योंकि हर कोई GST देने में सक्षम नहीं है। अच्छा, हाँ जी, एक नॉर्मली जो आदमी 300 रुपये 350 रुपये का जूता चाहिए उसे GST वो नहीं भर पाता। अच्छा, तो महंगे से महंगा जूता कितने का आपके पास? महंगे से महंगा जूता हमारे पास 2,000-2,500 की रेंज। निकाल के दिखाएंगे सर एक बार? चलिए 2,000-2,500 का जूता और देख लेते हैं। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, आप सभी यहाँ दुकानदार हैं ग्राहक हैं? अच्छा, सारे दुकानदार हैं? ये देखिए भाई साहब, ये एयर का है डिब्बा और दिखाई, जैसे डिब्बा के साथ ना पता चल सके लोगों को, जैसे कि ये हो गया कैंपस का हो गया। ये कितने का है? ये कैंपस का है जी, ये 1700 रेट है। अच्छा, इस पे कंपनी ने अपना स्कैनर दिया हुआ है।
आप कितने का देते हो? 1700 का रेट लगाते हैं हम इस पर, डिस्काउंट काटते हैं जो भी कंपनी का होता है 20-25%। अच्छा 30 लास्ट काट देते हैं। अच्छा हाँ, जैसे ग्राहक से बात बन जाए। जैसे ग्राहक से बात बन जाए। अच्छा हाँ जी, ठीक है। और ये वाला जूता दिखाइए जरा, निकाल। ये हमारा इम्पोर्टेड माल है जी, इम्पोर्टेड चाइना होता है। कोई नहीं, एयर का एयर कंपनी है बड़ी कोई? हाँ जी। अच्छा, ये चाइनीज कंपनी है। अच्छा, तो रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क वगैरह कुछ है? नहीं जी, एयर का नाम से बिकता है जी। एयर नाम से। कितने का है ये? 2400 रुपए का है, बिना रजिस्टर्ड बिना कुछ। हाँ जी। अच्छा, चल, कोई गारंटी वारंटी होती नहीं कुछ? नहीं गारंटी, बस ये आजकल फैशन का दौर चल रहा है जी, तो इसीलिए दुनिया मांगती है एयर के, बस इसीलिए। चलिए, तो आप भी, मैं सोच रहा था आप ग्राहक हैं। अच्छा, आप भी जूता दिखाने वाले हैं। चलिए देखिए दोस्तों, इस तरीके की चीजें हैं, जरूर ध्यान रखें। हमने कोशिश की है हर चीज की। अच्छा, नकली जूता कौन सा? नकली भी है तुम्हारे पास कोई? नहीं जी, जैसे कॉपी जूते बिकते हैं बहुत लोग, वो भी रखते हैं? अच्छा, कॉपी नहीं रखते आप? चलिए। अच्छा, आप एक बात और बता दीजिए कि मित्तल शू हाउस से क्यों लोग जूते खरीदें? क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी के जूते मिलते हैं, और हम कस्टमर को पूरी तसल्ली देते हैं। अगर उसकी क्या कहते हैं, कुछ भी जूते में हो जाए तो उसकी गारंटी वारंटी हम देते हैं। कितना पुराना काम है आपका? हमारा 1992 से शॉप है। अच्छा, बाद में से आप ही चला रहे हैं क्या? नहीं, पिताजी चला रहे हैं हमारे। चलिए देखिए, 92 से इनकी शॉप है। 92 से आप समझ लीजिए लगभग 34 साल 32 साल का एक वो है, हो गया इनका, और अनुभव है। सीधा सीधा आप ये देखें, सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं लाइव तस्वीरें थी। चलिए अभी और इनके जो संचालक हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, किस टाइम से किस टाइम तक आपकी दुकान ओपन रहती है बताइए? हमारी सुबह 8:30-9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ओपन रहती है। प्रशासन का कितना सहयोग रहता है? शासन प्रशासन का, यहाँ पर प्रशासन का तो सहयोग यही है जी, हम सभी कस्टमर से कहते हैं कि वो जो भी बिल मांग रहे हैं, कस्टमर जो भी बिल मांगे उसे बिल अवश्य दें, जिससे हमारे सरकार को भी पूरी GST मिले और राष्ट्र में योगदान हो। चलिए देखिए, मित्तल साहब, उन्होंने कहा है कि बिल के लिए अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल के साथ आप माल बेचें और खरीदें। और कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि मान लीजिए 150 रुपये का जूता है तो उसके साथ बिल कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन ग्राहक मांगता है तो बिल देना भी अनिवार्य है। तो इसलिए कई बार ये हो जाता है कि मान लीजिए 200-200 रुपये के जूते बिके 5 जोड़ी, तो शाम को इकट्ठा बिल काट करके दे दिया जाता है। इस तरीके के कुछ प्रावधान होते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सभी आप लोग बिल के साथ खरीदें। और बिल ये बाहर आप ये देखें। अच्छा, ये इतने बाहर तक आपने क्यों लगा रखी है ये और बता दीजिए? ये बाहर तक हमने इसलिए लगा रखी है जी, रोड तक घेर रखा आपने? क्योंकि यहाँ ऑटो वाले, हमारी जो शॉप है वो रोड से काफी अंदर है। अच्छा। तो यहाँ सारे ऑटो वाले लगा देते हैं जी, और जब हमारे अच्छा कि वो ना लगाए, हम ही घेर लें। नहीं तो वो लगा देते हैं तो हम उनसे कहते हैं भाई ऑटो को साइड कर लो, हमारी दुकान के लिए रास्ता छोड़ो, तो वो हमसे लड़ते हैं बकायदा। अच्छा, उलझ जाते हैं, वो हमसे बहस करते हैं, इसीलिए हमें लगाना पड़ता है। आ जाओ आप पीछे से कुछ बोल रहे हो, आ जाओ आप आ गया। अच्छा ये बताओ, जूते क्यों खरीदे भाई? अरे जूते आपकी दुकान से क्यों खरीदे ये बता दो, आप काम करते हो क्या? अपना नाम बताओ पहले। राजवीर नागर। बताओ जी नागर साहब, बताओ। हाँ जी, बताओ क्यों जूते खरीदे मित्तल हाउस से? मित्तल हाउस से इसलिए जूते खरीदे, यहाँ ग्राहक को सारी चीज़ें कंफर्टेबल होती है, किसी भी तरह की कोई कंप्लेन है तो उस कंप्लेन को पूरी तरह से हैंडल किया जाता है। ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार नहीं है, अच्छा व्यवहार है, ताकि ग्राहक हमेशा कॉन्टेक्ट में रहे, सारी चीज़ें। अब आप ये देख भी सकते किस तरीके से खड़े हैं लोगों की।